Hello everyone, welcome to my YouTube channel Farah Pharmacy. So today we are going to discuss about the UPLC. UPLC stands for the Ultra Performance Liquid Chromatography. So let's understand what is UPLC. The contents covered in this topic, that is the introduction, principle, instrumentation and applications. So chaliye, let's discuss the introduction part of UPLC. UPLC stands for the Ultra Performance Liquid Chromatography. UPLC basically एक separation technique है, mixture of components को separate out करने के लिए use की जाती है. और ये क्या है कि एक new modern technique है liquid chromatography का. UPLC is a modern technique which gives a new direction for liquid chromatography. इसमें है क्या कि ये HPLC से मोर एडवांस और न्यू ट्रेंड्स ऑफ HPLC का टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट्स के लिए. तो सवाल ये आता है कि जब अपने पास HPLC था तो UPLC लाने की क्या ज़रूरत थी, तो इसमें कुछ तो एडवांसमेंट होगी. तो इसमें UPLC में देखते हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट है. तो UPLC रेफर्स टू अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विच इज हैंस मेनली इन थ्री एरियाज. मतलब क्या कि इसमें जो स्पीड है, रिनियल वेलोसिटी है मोबाइल फेज की और सैंपल की, तो वो स्पीड ज़्यादा है. रिजोल्यूशन पावर मीन्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट्स. मतलब कि ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को कि कितने टाइप्स के मिक्सर है इसमें. एंड मोर सेंसिटिविटी है. अब UPLC एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर टू एक्वायर बेटर रिजोल्यूशन. UPLC बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है सिलिका, उसकी जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर होती है इन कंपैरिजन टू HPLC. HPLC के केस में क्या है कि जो उसका पार्टिकल साइज है वो 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होती है. इसलिए ये ज़्यादा स्पीड काम करता है और रिजोल्यूशन पावर भी है और हाई सेंसिटिविटी है. अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अप्लीकेबल फॉर पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर टू एक्वायर बेटर रिजोल्यूशन स्पीड एंड सेंसिटिविटी कंपेयर्ड विद हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इसलिए इसको अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है. तो चलिए अब प्रिंसिपल पे आते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तो द प्रिंसिपल ऑफ UPLC आर सेम प्रिंसिपल एच HPLC. इसकी जो प्रिंसिपल है सेम HPLC के तरह है. प्रिंसिपल ऑफ UPLC इज बेस्ड ऑन वेंडीमीटर रिलेशनशिप विच एक्सप्लेन्स द कोरिलेशन बिटवीन फ्लो रेट एंड प्लेट हाइट. UPLC भी वेंडीमीटर रिलेशन इक्वेशन पे काम करता है. बेसिकली HPLC भी अपना वेंडीमीटर इक्वेशन पे बेस्ड है. तो वेंडीमीटर इक्वेशन क्या बताता है कि ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच फ्लो रेट मतलब कि मोबाइल फेज की जो फ्लो रेट है और सॉल्यूशन की है और प्लेट हाइट. द वेंडीमीटर इक्वेशन शोज द फ्लो रेंज विथ द स्मॉलर पार्टिकल इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन विथ लार्जर पार्टिकल ऑफ गुड रिजल्ट. बेसिकली UPLC में क्या है कि जो कॉलम की जो इंटरनल डायमीटर है उसको कम कर दी गई है इंटरनल डायमीटर को, और जो पंपिंग सिस्टम है हमारा वो उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज की गई है. और डायमीटर इंटरनल डायमीटर एंड जो स्टेशनरी फेज है हमारा सिलिका जेल उसको भी HPLC के कंपेरिजन में उसकी जो पार्टिकल्स की डायमीटर है स्टेशनरी फेज की उसको भी कम कर दी गई है. तो वो कितना है 0.5 से लेस देन 2 माइक्रोमीटर. मतलब हमेशा ही 2 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, 0.5 to 2 माइक्रोमीटर. और कॉलम्स की जो इंटरनल डायमीटर है उसको भी कम कर दी गई है. तो ये है चेंजेस इन द HPLC और जो कि हम कह रहे हैं UPLC. तो चलिए हम वेंडीमीटर इक्वेशन को समझते हैं जिसपे ये इसकी प्रिंसिपल बेस्ड है. According to Vandermeer equation, when the porous particle size reduced to less than 2 micrometer, there will be increase in efficiency. However, the efficiency does not weaken at increased flow rate or linear velocity. Basically, ये क्या बता रहा है कि जो हमारा कॉलम है अगर उसके डायमीटर को कम करेंगे और जो पोरस पार्टिकल साइज है, मतलब कि जो स्टेशनरी फेज का जो सिलिका जेल है उसके पार्टिकल साइज को हम अगर 2 माइक्रोमीटर से कम करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो इफिशियंसी है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है. और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी,
सॉल्यूशन की और द मोबाइल फेज की जो स्पीड है, वो जाने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो चलिए एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं जिसे कहा जाता है वेंडीमीटर इक्वेशन। एच बराबर ए प्लस बी बाय म्यू प्लस सी म्यू। ए इज इक्वल्स टू ईडी डिफ्यूजन, बी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, सी रेजिस्टेंट टू मास ट्रांसफर, म्यू एवरेज मोबाइल फेज वेलोसिटी। तो ए ईडी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड बहुत यूज हुआ है, तो चलिए समझते हैं कि इसमें डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली काम करता है ये डिफ्यूजन के बेसिस पे, मतलब कि जो फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज है और सैंपल की है वो हाई स्पीड से जाके वो जो कॉलम में है, जो कॉलम के साथ जो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन ऑफ सैंपल एंड द मोबाइल फेज विद द कॉलम, उसी को कहेंगे डिफ्यूजन। मतलब कि अगर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो उससे पता चलेगा कि जो हमारा फ्लो रेट है या वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ द यूपीएलसी। यूपीएलसी में क्या है कि डिक्रीज रन टाइम है, रन टाइम को डिक्रीज कर दी गई है, टाइमिंग को कम कर दी गई है, और इंक्रीज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दी गई है एज कंपेरिजन टू द एचपीएलसी। ये क्या कराता है, प्रोवाइड द सेलेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, हाई सेंसिटिविटी कराता है, एंड डायनामिक रेंज ऑफ एलसी एनालिसिस। मेंटेनिंग रिजोल्यूशन पावर मेंटेन की गई है, हाई रिजोल्यूशन पावर है। रिजोल्यूशन पावर क्या है कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट्स, मतलब कि जो मिक्सर ऑफ कंपोनेंट है उसको पहचानने में की पावर, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। और एक्सपेंड स्कोप ऑफ मल्टी रेसिड्यू मेथड्स, ऑपरेशन कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट वेरी कम इज रिड्यूस्ड, वो भी कम कर दी गई है। लेस सॉल्वेंट कंजुम्पशन, मतलब कि जैसे डायमीटर कम कर दी गई है, उसकी कॉलम की जो डायमीटर है यूपीएलसी में वो कम कर दी गई, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होता है कि सॉल्वेंट जो कंजुम्पशन है वो भी कम है हो गई है, किसकी वजह से, कंपेरिजन विद द एचपीएलसी। डिसएडवांटेजेस पे कि डिसएडवांटेज क्या है यूपीएलसी का, तो द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूपीएलसी इज द हाई बैक प्रेशर कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल एचपीएलसी विच डिक्रीज द लाइफ ऑफ द कॉलम। इसमें क्या है कि ये इसकी जो प्रेशर है एचपीएलसी से कंपेरिजन में ज़्यादा है, कितना है इसकी प्रेशर है, 6000 से 19000 पीएसआई प्रेशर है यूपीएलसी की। तो क्या है कि इसमें हाई बैक प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जो कॉलम है उसकी डायमीटर कम की वजह से भी बैक प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और पार्टिकल साइज ऑफ लेस देन 2 माइक्रोमीटर इज मोस्टली नॉन रिजेबल एंड देयर फॉर हैव अ नैरो यूज। इसके जो पार्टिकल साइज आप बता ही दिया है पहले कि दो लेस देन 2 माइक्रोमीटर होना चाहिए स्टेशनरी फेज का, इसकी वजह से भी इसके क्या है कि यूज है जो वो कम है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज क्या होता है हमारा एचपीएलसी यूज होता है। नाउ कम्स टू द इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ऑफ द यूपीएलसी। तो ये देख सकते हैं आप सॉल्वेंट रिजर्वायर है जहाँ मोबाइल फेज को रखा गया है, और ये जो सॉल्वेंट है ये पंपिंग सिस्टम तक जाता है। पंपिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सॉल्वेंट को कॉलम तक पहुँचाने में हेल्प करता है। पंपिंग सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट मैनेजर और सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ ऑटो सैम्पलर है जहाँ से सैंपल देख सकते हैं, ये ऑटो सैम्पलर है जहाँ से सैंपल को इंजेक्ट की जाती है कॉलम तक, मतलब कि ये पंपिंग सिस्टम से सॉल्वेंट गया और यहाँ से ऑटो सैम्पलर से सैंपल गया और ये यूपीएलसी कॉलम तक पहुँचता है। कॉलम क्या है कि हमारा चाहे वो एचपीएलसी सिस्टम हो यूपीएलसी हो, तो कॉलम को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द सिस्टम्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो सैंपल है कंपोनेंट्स के जो मिक्सर है वो सेपरेट आउट होता है, और आप उसको इल्यूट आउट करके वो डिटेक्टर में जाता है। डिटेक्टर क्या करता है, उसके जो कंपोनेंट्स है उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके ये क्या करता है, हमारा रिकॉर्डर तक जाता है। रिकॉर्डर जो सिस्टम है ये सिग्नल शो करता है, रिकॉर्ड करता है, सिस्टम शो सिग्नल करता है, ये पिक्स दिखाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्स को क्या कहते हैं, हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं, और वेस्ट इधर से इल्यूट आउट हो जाता है। तो ये है वर्किंग ऑफ यूपीएलसी है ऑल ओवर।
चलिए समझते हैं यूपीएलसी कॉलम को। तो रिजोल्यूशन इज इंक्रीज इन आस 1.7 m पार्टिकल पैक्ड कॉलम बिकॉज इफिशियंसी इज बेटर। इसकी क्या है कि जो पार्टिकल साइज है, रिजोल्यूशन पावर बढ़ गई है और इफिशियंसी भी बेटर हो गई है। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल रिक्वायर्स आर बॉन्डेड फेज दैट प्रोवाइड्स बोथ रिटेंशन एंड सेलेक्टिविटी। 4 बॉन्डेड फेज आर अवेलेबल फॉर यूपीएलसी सेपरेशन। तो इसमें कौन कौन से कॉलम यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं यूपीएलसी के लिए इक्विटी यूपीएलसी टीएम बैच C18 एंड C8 कॉलम यूज की जाती है। स्टेट एंड अल्काइल कॉलम्स, इक्विटी यूपीएलसी बैच सील्ड आरपी एम्बेडेड पोलर ग्रुप्स कॉलम्स ये, एंड इक्विटी यूपीएलसी बीएच फेनाइल फेनाइल ग्रुप टुगेदर टू द सिलाइल फंक्शनली विद अ C6 अल्काइल कॉलम। ये सब कॉलम जो है अपन यूपीएलसी में यूज करते हैं। अब आता है पंपिंग सिस्टम पे। पंपिंग सिस्टम क्या करता है, अचीविंग स्मॉल पार्टिकल हाई पीक कैपेसिटी सेपरेशन रिक्वायर्स अ ग्रेटर प्रेशर। ये पंपिंग सिस्टम जो है हाई प्रेशर जनरेट करता है ताकि वो सॉल्वेंट जो है हमारा वो कॉलम तक पहुंचे। रेंज दैट अचीवेबल बाय टुडेज एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन। द कैलकुलेटेड प्रेशर ड्रॉप एट द ऑप्टिमम फ्लो रेट फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी अक्रॉस अ 15 cm लॉन्ग कॉलम पैक्ड। 15 cm जो हमारा कॉलम है वो लॉन्ग होता है, और जो 1.7 μm पार्टिकल होता है, मतलब कि लेस देन 2 μm रखना है पार्टिकल साइज को, तो 1.7 μm है। 3 पार्टिकल इज अबाउट 15,000 PSI। इसकी जो प्रेशर है लगभग अप्रॉक्स होता है वही 15,000, हाईएस्ट या 19,000 तक होता है। देयरफॉर अ पंप कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सॉल्वेंट स्मूथली एंड रिप्रोड्यूसिबली एट दिस प्रेशर। सैंपल इंजेक्शन, ऑटो सैंपलर के थ्रू हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं। यूपीएलसी सैंपल इंट्रोडक्शन इज क्रिटिकल। कन्वेंशनल इंजेक्शन वॉल्व्स आइदर ऑटोमेटेड और मैनुअल एंड नॉट डिजाइन अ हार्नेस टू वर्क एट द एक्सट्रीम प्रेशर। टू प्रोटेक्ट द कॉलम फ्रॉम एक्सट्रीम प्रेशर फ्लक्चुएशन द इंजेक्शन प्रोसेस मस्ट बी रिलेटिवली पल्स फ्री। डिटेक्टर्स कौन कौन सा यूज करता है। डिटेक्टर क्या है कि हमारा जो सैंपल है उसको डिटेक्ट करता है कि मिक्सर, वो सैंपल अलग होने के बाद सैंपल डिटेक्ट करते हैं ये कौन सा सैंपल है। तो डिटेक्टर्स यूज होता है यूवी डिटेक्टर, फ्लोरिसेंट डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एचपीएलसी और यूपीएलसी में। तो यूपीएलसी क्या है कि हमारा वर्क्स ऑन हाई प्रेशर देन एचपीएलसी। एचपीएलसी के कंपैरिजन में इसकी जो प्रेशर है वो हाई है, और इसकी लो प्रेशर है यूपीएलसी के कंपैरिजन में किसकी, एचपीएलसी के। पार्टिकल साइज क्या है कि यूपीएलसी में लेस देन 2 μm है, इसकी जो पार्टिकल साइज होती है 3 से 5 μm होती है। इसमें जो सॉल्वेंट है कम सॉल्वेंट यूज होता है कंपैरिजन टू एचपीएलसी। क्यों, क्योंकि उसकी जो कॉलम की डायमीटर है वो कम कर दी गई है रिक्वायर्ड, और एचपीएलसी रिक्वायर्ड मोर सॉल्वेंट देन यूपीएलसी। मोर सेलेक्टिव एंड सेंसिटिव देन एचपीएलसी। एचपीएलसी के कंपैरिजन में मोर सेलेक्टिव है और सेंसिटिव है। एचपीएलसी क्या है कि हमारा लेस सेलेक्टिव एंड सेंसिटिव देन यूपीएलसी। यूपीएलसी की जो पावर है हाई रिजॉल्विंग पावर होती है, और एचपीएलसी की हैज लेस रिजॉल्विंग पावर देन यूपीएलसी। शॉर्टनेस कॉलम लाइफ की जो होती है इसकी कम होती है, और एचपीएलसी की शॉर्ट इंक्रीज कॉलम लाइफ। नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द यूपीएलसी। तो यूपीएलसी किसके किसके लिए यूज की जाती है, तो वो देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो ड्रग्स है हमारा, जो हर्बल मेडिसिन है और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसके एनालिसिस के लिए यूज करी जाती है। मेटाबोलाइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करता है कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बायो एनालिसिस या बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की जाती है। डिजोल्यूशन टेस्टिंग की जाती है इससे। मैन्युफैक्चरिंग QA QC में भी यूज है यूपीएलसी का। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, ये मतलब इम्प्योरिटी चेक की जाती है, कंपोनेंट्स की इम्प्योरिटी चेक की जाती है किसके, यूपीएलसी का यूज करके। एनालिसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड का डिटेक्शन की जाती है, ऑल्सो अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन की जाती है। तो ये ऑल ओवर है यूपीएलसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सपोर्ट कीजिएगा। पहला ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।